आपका पहला सवाल है सूर्य सबसे पहले किस देश में उदय होता है आपका ऑप्शन है ए अमेरिका में बी न्यूजीलैंड में सी भारत में डी श्रीलंका में आपका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में आपका अगला सवाल है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है आपका ऑप्शन है ए ऊंट को बी घोड़े को सी शेर को डी हाथी को आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊंट को। आपका अगला सवाल है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू ने बी फुले ने सी लाल बहादुर शास्त्री ने डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपका अगला सवाल है केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहा होता है आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु में बी असम में सी जम्मू कश्मीर में डी गुजरात में आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में आपका अगला सवाल है दूध में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है आपका ऑप्शन है ए विटामिन के बी कैल्शियम सी विटामिन डी डी विटामिन सी आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम आपका अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी आपका ऑप्शन है ए थॉमस एडिसन ने बी ग्राम बेल ने सी आइज़क न्यूटन ने, डी, चार्ल्स डार्विन ने। आपका सही जवाब है, ऑप्शन, सी, आइज़क न्यूटन ने। आपका अगला सवाल है, दिल्ली में, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है, ए, अकबर ने, बी, शेरशाह सूरी ने, सी, बाबर ने, डी, शाहजहाँ ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शाहजहाने आपका अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपका ऑप्शन है ए अग्नाशय बी यकृत, सी रिहा डी पीनियल आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत आपका अगला सवाल है किस देश में काले रंग के हंस पाए जाते हैं आपका ऑप्शन है ए नामीबिया में बी जापान में सी ऑस्ट्रेलिया में डी रूस में आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में आपका अगला सवाल है हमारी आईब्रो में लगभग कितने बाल होते हैं आपका ऑप्शन है ए पांच सौ पचास बाल बी हजार बाल सी पंद्रह सौ बाल डी दो सौ बाल आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लगभग पांच सौ पचास बाल आपका अगला सवाल है किस देश के पास अपनी सेना नहीं है आपका ऑप्शन है ए आइसलैंड के पास बी जापान के पास सी जर्मनी के पास डी श्रीलंका के पास आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आइसलैंड के पास आपका अगला सवाल है आकार जन्म से मृत्यु तक समान रहता है आपका ऑप्शन है ए जीव का बी कान का सी हाथ का डी का। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आंक का आपका अगला सवाल है कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी आपका ऑप्शन है ए चीन ने बी रूस ने सी जापान ने डी भारत ने आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रूस ने आपका अगला सवाल है गांधार जनपद की राजधानी कौन सी है आपका ऑप्शन है ए वाराणसी बी चंपा सी तक्षशिला डी कुशीनारा आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शशिला आपका अगला सवाल है पलासी का युद्ध कब हुआ था आपका ऑप्शन है ए ग्यारह सौ ईस्वी में बी पंद्रह सौ पचास ईस्वी में सी बारह सौ ईस्वी में डी सत्रह सौ ईस्वी में आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सत्रह सो ईस्वी में आपका अगला सवाल है स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में बी बिहार में सी गुजरात में डी उत्तराखंड में इसका सही जवाब आप कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद